uncertainty in position and velocity of a particle are the uncertainty in position and uncertainty in position and velocity of a particle in are position and velocity of a particle are a particle are 10 to the power minus 10 particles are 10 to the power minus 10 minus 10 meter and 5.27 into 10 to the power minus 24 10 to the power minus 24 meter per second respectively. Calculate the mass of the particle. Calculate the mass of the particle. Particles. चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं डील करना है. इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले दिया गया है द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स आर. मतलब कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना बोला डेल्टा एक्स कितना हो गया 10 मीटर और फिर वेलोसिटी बोला तो डेल्टा वी कितना हो गया 5.27 × 10⁻²⁴ मीटर पर सेकंड. क्या प्रांत पर निकालना क्या आपका मास निकालना है क्या. तो हम लोग कहां से चलेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो क्या आपका डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी अपॉन y टू x बाय 1/n n. तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो m बराबर क्या जाएगा x बाय 1/y डेल्टा x डेल्टा v. यहां से आपका फाइनली m बराबर क्या जाएगा h का मान कितना डालना है 10⁻²⁴ और बड़ा 34 6.626 × 10⁻¹⁴ उसके बाद 4 बाय का मान 3.14 उसके बाद डेल्टा एक्स कितना है 10⁻¹⁰ इनटू डेल्टा बी कितना है 5.27 × 10⁻²⁴ इसको सॉल्व करना है. यहाँ से कितना गया 34 हो गया यार 34 से 34 कट गया तो 6.626 आ जाइए 4 × 3.14 कितना 5.27 कौन कटेगा बोलो 3.14 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सिंपल आंसर. इससे कट जाएगा इसे कटेगा 2 से 2.11 से कटेगा. चलिए आगे इसे गुणा करते हैं इसे काटिए गुणा कीजिए बोलो अरे गुणा कर देते हैं क्या 2.11 कितना जाएगा 5 × 20 और 27 से कितना 108 ऑप्शन था क्या इसमें मैंने कहा कितना आंसर दिया होगा इसका आंसर है 0.09 सर 0.09
वो बड़ा हुआ था आपने गलती है क्या 0.0 कितना आ गया 01 आ जाएगा ना जी ये सही है इसका आंसर दिया हुआ है आपका 0.09 क्वेश्चन का आपका ना एक लेवल है ठीक है इसलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए अच्छे से और क्वेश्चन है क्या बिता दे उस खिड़की को खोल दीजिए root over 2
इनटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 4.55 इनटू 10 की पावर माइनस 25 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.18 × 10⁻³⁻¹। क्लियर है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व ही करना तो है और क्या करना है। 10⁻³⁻¹ बढ़ता इसे गुणा कीजिए तो 9.1 हो जाएगा। होगा ना? अरे होगा ना भाई? नहीं होगा। 9.1 × 9.1 × 10⁻⁵⁶ कितना था? 56 10⁻⁵⁶। तो यहां से आपका लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 6.626 × 10⁻³⁴ बटा कितना? 9.1 निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 10⁻²⁸ निकलेगा ना? उसको 9 लेने0.72 7 × 10⁻¹⁰ और 10⁻¹⁰ बराबर कितना एंगल्स? 7 × 8 एंगल्स से हो जाएगा सी ऑप्शन। कितना आपके नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। क्या और क्वेश्चन है? क्या इसको तब तक आप कीजिए तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। If the Planck's constant h equal to h equal to 6.6 × 10⁻³⁴ joule second। Yes sir। आगे the de Broglie wavelength of a of a particle having momentum of 3.3 × 10⁻²⁴ minus 24 what?
केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड विल बी, विल बी फर्स्ट ऑप्शन बोल भाई मेरे 0.002 एग्जैक्ट ऑफ सेकंड ऑप्शन 0.02 02 एंगल्स 0.2 एंगस्ट्रॉम 0.2 एंगल्स 2 एंगस्ट्रॉम और क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एंगस्ट्रॉम सब लिख दिया गया इसको सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है इसको आप पढ़िए हमको चाहिए क्या इसको देखिए उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और आंसर को लाइए ठीक है ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं क्या बोला प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया देखिए एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू हमको याद किया उसको याद रखना है लेकिन यदि क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यदि डेसिमल के बाद चेंज करके दे रहा है तो हो सकता है कि वो हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दिया हो तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा ठीक है जो वैल्यू दिया रहेगा उसका इस्तेमाल कीजिएगा ठीक है यहाँ पर एज का वैल्यू दिया हुआ है 6.6 × 10⁻³² जूल सेकंड अब क्या कर रहा था दी प्रॉपर्ली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मोमेंटम यहाँ पर इसका क्या क्या हुआ है ए आपका मोमेंटम यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी तो मास के लिए केजी वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड केजी मीटर मोमेंटम दिया हुआ आपका 3.3 × 10⁻²⁴ केजी मीटर पर सेकंड और यहाँ से तो क्या मांग रहा है लैम्डा मतलब कि लैम्डा मांग रहा है क्या मांग रहा है छोटू लैम्डा मांग रहा है क्या करना लैम्डा बराबर क्या होता है और इजी क्वेश्चन एज का मान कितना 6.6 × 10⁻³² जूल सेकंड बटा 3.3 × 10⁻²⁴ केजी मीटर पर तो आपका कुछ कटेगा क्या यस सर 3.3 से 6.6 × 10⁻²⁴ इससे कटेगा 10⁻³ आया और कितना आया 2 तो 2 कितना मीटर में आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा कितना जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम तो 2 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम हो गया कितना नंबर यही है 3 चलो और क्वेश्चन आ गया चलिए इसको लेके तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे